नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब सड्डा में, जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। आज का यह वीडियो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला है उसके बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, इम्पॉर्टेंट डेट और एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करें तो यह 3864 पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, जिसमें 127 पोस्ट बायोलॉजी टीचर का है, जिसमें जनरल के लिए 65 पोस्ट, एससी के लिए 29 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 12 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 6 पोस्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 12 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन कोटा में जनरल के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 1 पोस्ट है। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में जनरल के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 1 पोस्ट है। 131 पोस्ट केमिस्ट्री टीचर का है, जिसमें जनरल के लिए 66 पोस्ट, एससी के लिए 25 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 12 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 6 पोस्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 13 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन कोटा में जनरल के लिए 4 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास ए के लिए 1 पोस्ट है। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में जनरल के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास ए के लिए 1 पोस्ट है। 304 पोस्ट कॉमर्स टीचर का है, जिसमें जनरल के लिए 153 पोस्ट, एससी के लिए 58 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 28 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 14 पोस्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 30 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन कोटा में जनरल के लिए 6 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 2 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 पोस्ट है। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में जनरल के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 2 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 पोस्ट है। 1373 पोस्ट कंप्यूटर साइंस टीचर का है, जिसमें जनरल के लिए 676 पोस्ट, एससी के लिए 261 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 130 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 62 पोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 137 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन कोटा में जनरल के लिए 41 पोस्ट है, एससी के लिए 14 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 7 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 6 पोस्ट है। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में जनरल के लिए 13 पोस्ट है, एससी के लिए 13, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 7 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 6 पोस्ट है। 530 पोस्ट इंग्लिश टीचर का है, जिसमें जनरल के लिए 262 पोस्ट, एससी के लिए 101 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 50 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 24 पोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 53 पोस्ट हैं। एक्स सर्विसमैन कोटा में जनरल के लिए 15 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 3 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 2 पोस्ट हैं। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में जनरल के लिए 5 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 3 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 2 पोस्ट है। 35 पोस्ट फाइन आर्ट्स टीचर का है, जिसमें जनरल के लिए 19 पोस्ट, एससी के लिए 6 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 4 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 पोस्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जनरल के लिए 1 पोस्ट है, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन में एससी के लिए 1 पोस्ट है। 194 पोस्ट हिंदी टीचर का है, जिसमें जनरल के लिए 96 पोस्ट, एससी के लिए 37 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 18 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 9 पोस्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 19 पोस्ट। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जनरल के लिए 6 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 1 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 पोस्ट है। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में जनरल के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास ए के लिए 1 पोस्ट है। 329 पोस्ट हिस्ट्री टीचर का है, जिसमें जनरल के लिए 164 पोस्ट, एससी के लिए 63 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 31 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 15 पोस्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 32 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जनरल के लिए 9 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 2 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 पोस्ट है। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में जनरल के लिए 3 पोस्ट,
एससी के लिए 3 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 2 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 पोस्ट है। 522 पोस्ट मैथ टीचर का है जिसमें जनरल के लिए 257 पोस्ट, एससी के लिए 99 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 50 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 24 पोस्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 52 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जनरल के लिए 15 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 3 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 2 पोस्ट है। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में जनरल के लिए 5 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 3 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 2 पोस्ट है। 35 पोस्ट म्यूजिक टीचर का है जिसमें जनरल के लिए 19 पोस्ट, एससी के लिए 6 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 4 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 पोस्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जनरल के लिए 1 पोस्ट है और एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में एससी के लिए 1 पोस्ट है। 241 पोस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर का है जिसमें जनरल के लिए 120 पोस्ट, एससी के लिए 45 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 23 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 11 पोस्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 24 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जनरल के लिए 7 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 1 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 पोस्ट है। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में जनरल के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 1 पोस्ट और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 पोस्ट है। 6 पोस्ट उर्दू टीचर का है जिसमें जनरल के लिए 5 पोस्ट है और 1 पोस्ट एससी के लिए है। आगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये क्वालिफिकेशन सभी कैटेगरी के लिए कॉमन है जिसमें हिंदी या फिर संस्कृत जो है वो वन ऑफ द सब्जेक्ट हो मैट्रिक या फिर हायर लेवल पे, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पासिंग सर्टिफिकेट हो जिस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स हो, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए केवल 55% मार्क्स होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में। आगे हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो पीजीटी बायोलॉजी पोस्ट के लिए आपने एमएससी किया हुआ हो, जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर बायो साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर प्लांट साइकोलॉजी या फिर प्लांट टेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपने बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हो और बीएड किया हुआ हो मान्यता प्राप्त संस्था से। पीजीटी केमिस्ट्री पोस्ट के लिए आपने एमएससी किया हुआ हो केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और बीएड किया हुआ हो मान्यता प्राप्त संस्था से। पीजीटी कॉमर्स पोस्ट के लिए आपने एमकॉम किया हुआ हो जिसमें अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर सब्जेक्ट हो और इसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और आपने बीएड किया हुआ हो मान्यता प्राप्त संस्था से। कंप्यूटर साइंस टीचर पोस्ट के लिए आपने रेगुलर एमएससी किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में या फिर आपने रेगुलर एमसीए किया हुआ हो या फिर आपने बीई बीटेक किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। पीजीटी इंग्लिश कोर्स के लिए आपने एमए किया हुआ हो इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और बीएड किया हुआ हो मान्यता प्राप्त संस्था से। फाइन आर्ट्स टीचर पोस्ट के लिए आपने एमए किया हुआ हो फाइन आर्ट्स में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और बीएड किया हुआ हो मान्यता प्राप्त संस्था से। पीजीटी हिंदी पोस्ट के लिए आपने एमए किया हुआ हो हिंदी में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और बीएड किया हुआ हो मान्यता प्राप्त संस्था से। पीजीटी हिस्ट्री पोस्ट के लिए आपने एमए किया हुआ हो हिस्ट्री में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और बीएड किया हुआ हो मान्यता प्राप्त। पीजीटी मैथमेटिक्स पोस्ट के लिए आपने एमए किया हुआ हो मैथमेटिक्स में या फिर एमएससी किया हो मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इसके साथ ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ एक सब्जेक्ट हो और आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना और साथ ही साथ आपने बीएड भी किया हुआ हो मान्यता प्राप्त संस्था से। पीजीटी म्यूजिक पोस्ट के लिए आपने एमए किया हुआ हो म्यूजिक में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और बीएड किया हुआ हो मान्यता प्राप्त संस्था से। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन पोस्ट के लिए आपने एमए किया हुआ हो फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ और आपने बीएड किया हुआ हो मान्यता प्राप्त संस्था में। पीजीटी उर्दू पोस्ट के लिए आपने एमए किया हुआ हो उर्दू में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और बीएड किया हुआ हो मान्यता प्राप्त संस्था से। आगे हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 42 साल है।
यहाँ पर अप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए फीस ₹500 है। महिला अभ्यर्थी जो कि हरियाणा से हैं उनके लिए फीस ₹125 है। SC बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पुरुष जो कि हरियाणा से हैं उनके लिए फीस ₹125 है। SC बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फीमेल जो कि हरियाणा से हैं उनके लिए फीस ₹75 है। PH और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। आगे हम सैलरी की बात करें तो सारे पोस्ट का वेतन स्तर 8 है, जिसकी सैलरी ₹47,600 से ₹1,51,100 के बीच है। आगे हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा आपका 2 सितंबर 2019 से 18 सितंबर 2019 शाम 5 बजे तक। फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट है आपका 24 सितंबर 2019। एग्ज़ाम का डेट आपका बाद में डिक्लेयर होगा। आगे हम एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो टोटल 100 मार्क्स में रिटर्न एग्ज़ाम 90 मार्क्स का होगा और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के लिए आपके पास 10 मार्क्स हैं। रिटर्न एग्ज़ाम के 90 मार्क्स में 75% क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी और रिलेवेंट सब्जेक्ट से, और 25% मार्क्स जो होंगे वो आपके हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक, इन्वायरमेंट एंड कल्चरल ऑफ हरियाणा से। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की डिटेल्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल जॉब अड्डा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद।